लोकसभा चुनाव के सबसे चर्चित सांसद इकरा हसन जो कल यानी गुरुवार को पहली बार संसद भवन पहुंची और अपने पहले ही भाषण से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जी हां, इकरा हसन अपने पहले ही भाषण में छा गई। इधर उधर की ना बात करते हुए उन्होंने आम जन से जुड़े मुद्दों को उठाया और साथ ही एक ऐसी मांग कर दी जो आज तक किसी ने नहीं की थी। इकरा हसन एक ऐसी जगह से सांसद है जहां हिंदू मुस्लिम के दंगे काफी आम है। मुजफ्फरनगर की जनता जहां हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करती है, वहीं वहां की सांसद इकरा हसन ने अपने पहले ही भाषण में केंद्र सरकार से मांग की कि शामली से वैष्णो देवी और शामली से प्रयागराज के लिए सीधी ट्रेनें चलाई जाएं। उन्होंने प्रयागराज से यूपी का हाईकोर्ट होने से यहां की कनेक्टिविटी बेहतर होने की बात की, साथ ही वैष्णो देवी के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पानीपत कैराना मेरठ रेलमार्ग का कई बार सर्वे हुआ लेकिन इस रेलमार्ग पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। यूपी और हरियाणा को जोड़ने वाला ये रेलमार्ग बहुत अहम है। इकरा हसन का पहला ही भाषण इतना प्रशंसनीय रहा कि लोग उनसे और भी ज्यादा उम्मीदें लगाने लगे हैं। मुजफ्फरनगर की जनता को और ज्यादा भरोसा हो गया है कि सांसद इकरा हसन जल्द ही हिंदू मुस्लिम के विवाद जड़ से खत्म कर देंगे। तो चलिए आप भी सुनिए सांसद ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। बी मणिकंठ टैगोर।